नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं सब खेरियत होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे दोस्तों आईपीएल 2024 में दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने सभी को प्रभावित किया है भारतीय क्रिकेट फैंस को भी प्रभावित किया है क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी प्रभावित किया है और अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया है मैं बात कर रहा हूँ शशांक सिंह और आशितोष शर्मा जी हाँ दोस्तों कल आशुतोष शर्मा ने और शशांक सिंह ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ काफी अच्छी बल्लेबाजी की और आशुतोष शर्मा ने तो सूर्या स्टाइल में बल्लेबाजी की जो सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के के लिए हर टीम खिलाफ काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ना और हर टीम के बॉलर्स को दना दन धोते हैं वैसे ही कल आशुतोष शर्मा ने मुंबई इंडियंस के बॉलर को धोया यहाँ तक कि जसप्रीत बुमराह को भी बिहाइंड द विकेट जो सूर्या स्टाइल में जो सूर्या कुमार यादव पीछे छक्का मारते हैं ना झुक के वैसा आशितोष शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को छक्का मारा जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह उनको भी छक्का मारा और इन दोनों बल्लेबाजों ने आईपीएल 2024 में अब तक तीन रन बना दिए मतलब 343 रन बना दिए और आपको मैं इन दोनों बल्लेबाजों के पर्सनल रन भी बता देता हूं आईपीएल 2024 में इन दोनों ने अलग अलग कितने रन बनाए तो पहले हम शशांक सिंह की बात कर लेते हैं शशांक सिंह ने आईपीएल 2024 में अब तक छह मैचेस खेले एक सौ इक्यासी रन बनाए और एक सौ चौरासी की स्ट्राइक रेट से बनाए अब हम बात कर लेते हैं आशितो शर्मा की आशितो शर्मा ने आईपीएल 2024 में अब तक चार मैचेस खेले और एक सौ छप्पन रन बनाए और दो सौ पांच के स्ट्राइक रेट से रन बनाए मतलब काफी ज्यादा स्ट्राइक रेट होता है दो सौ पांच का स्ट्राइक रेट और अब एक तरफ में आपको तीन बल्लेबाज और बताता हूं पंजाब किंग्स के करण लियम लिविंगस्टन और जेनी बेस्टो इन तीनों बल्लेबाजों ने पंजाब किंग्स के लिए कितने रन बनाए पता आपको थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री रन मतलब बल्लेबाजों ने आईपीएल पी दो हजार चौबीस में और दूसरी तरफ आशीतोष और ससांग ने दोनों ने मिलकर तीन सौ तिरयालीस रन बना दिए मतलब इनसे दस रन ज्यादा बना दिए और इन दोनों बल्लेबाज को पंजाब किंग्स ने कितने में खरीद रहा मात्र चालीस लाख में मतलब एक बल्लेबाज बीस लाख का पड़ा इन्हें और जो ये लियम लिविंगस्टन सेम करन और जोनी बेस्टो ने इनको पंजाब किंग्स ने 36 करोड़ रुपए में खरीदा मतलब एक बल्लेबाज इनको 12 करोड़ रुपए का पड़ा और रन तो कुछ नहीं बनाए नाम बड़े दर्शन छोटे पैसा भी ज्यादा ले लिया प्रदर्शन भी नहीं करा लेकिन यहीं पर शशांत सिंह और आशितो शर्मा ने दिल जीत लिया मुंबई इंडियंस के फैंस का भी दिल जीता है हरभजय सिंह ने काफी ज्यादा तारीफ की रोबिन उथप्पा ने काफी ज्यादा तारीफ की वरुण एरन ने काफी ज्यादा तारीफ की तो दिल तो इन्होंने जीत लिया ओवरऑल और मुझे ये लगता है अगर ऐसे ही आईपीएल 2024 में बल्लेबाजी करते रहे तो ये इंडियन टीम में जरूर खेलेंगे और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन कमेटी हर आईपीएल का मैच देखने जाती है और खिलाड़ियों को नजदीक से देखती है कि कैसा प्रदर्शन कर रहा है तो इनको भी देख रही होगी और इन दोनों ने मिलकर जो गुजरात के खिलाफ एक मैच भी जीताया था पंजाब को और ये मैच भी लगभग जीता ही दिया था क्योंकि नौ रन से तो हरी है पंजाब पीछे से किसी ने प्रदर्शन नहीं किया सो रन पे छह या सात विकेट गिर गए थे पंजाब के अगर पीछे से किसी ने प्रदर्शन कर दिया था

आईपीएल 2024 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने गलती से खरीद लिया था उन्होंने प्रदर्शन किया है और करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबाज है और आशुतोष शर्मा भी काफी अच्छे बल्लेबाज है और आईपीएल तो दो में भारतीय क्रिकेट को दो बल्लेबाज तो मिल गए मतलब जो बोलते हैं ना कि आई टैलेंट की खदान है आईपीएल भारतीय क्रिकेट को काफी ज्यादा युवा खिलाड़ी या युवा टैलेंटेड खिलाड़ी देता है वो इस साल तो उन्होंने दे दिए जैसे कि आईपीएल 2024 में इंडियन क्रिकेट को मयंक यादव मिले जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं आशितोष शर्मा मिल गए शशांक सिंह मिल गए अभिषेक शर्मा इस साल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रियान पराग काफी अच्छी कर रहे हैं तो आईपीएल टैलेंट के खदान तो है और इस साल दो अच्छे बल्लेबाज मिल गए जो कि मैंने आपको नाम बता दिया आशितो शर्मा और शशांक सिंह तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए बाबा जय हिंद वंदे मातरम